नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है रीसेल का प्रॉपर्टी है। ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है, कवर्ड पार्किंग के साथ फुली फर्निश्ड फ्लैट है ये, और काफी अच्छे रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं ये, कनकिया बेवरली पार्क मीरा रोड ईस्ट में। तो आज इसी वासुदेव स्काई हाई के रीसेल 2 BHK के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए दिखाता हूं इसमें किस टाइप का एमिनिटीज है, पार्किंग, फ्लैट, इंटीरियर, टेरेस। इसमें हाँ, एक 2 BHK है, इसके साथ में टेरेस भी इसका काफी बढ़िया एक बनाया हुआ है रोड फेसिंग। तो आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूँ, फिर बाद में प्राइसिंग, साइजिंग, कनेक्टिविटी वगैरह की बात करेंगे। आइए देखते हैं ये फ्लैट कैसा है दोस्तों। अभी जो मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट है, और ये आप देख सकते हैं सेफ्टी डोर का डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुली किया है इन्होंने। वासुदेव स्काई हाई ये प्रोजेक्ट का नाम है। अभी न्यूली ये मुश्किल से 3 से 4 साल हुआ है बिल्डिंग को बन के, नई बिल्डिंग है ये। 2 BHK का फ्लैट है ये, आप देख सकते हैं ये इसका TV यूनिट एरिया है, फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, लाइट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसका डाइनिंग टेबल है, जो फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है, जो इन्होंने वॉल के अंदर ही बनाया है, कभी भी ज़रूरत के हिसाब से आप फोल्ड करके बाहर कर सकते हैं। और ये बड़ा सा उन्होंने डाइनिंग टेबल के जगह पे सोफ़ा रखा है। आगे मैं आपको किचन दिखाता हूँ। 14 माले का टावर है, 4 विंग की सोसाइटी है ये, और ये इसका किचन है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, देख सकते हैं बना बनाया सब आपको मिल रहा है। इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 20 से 25 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क किया हुआ है। ये पूरा एक बड़ा बालकनी रोड फेसिंग आपको मिल रहा है। वासुदेव स्काई हाई ये कनकिया में पड़ता है। ये हॉल से अटैच टेरेस है ये, मैं आपको हॉल से दिखाया नहीं, ये मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये इसका हॉल है, जो आपने सोफ़ा वगैरह देखा है ना, अभी मैं जिधर से आपको लेके आया, मैं लेके चलता हूँ आपको। ये टेरेस है, और ये सारे बेडरूम और किचन से अटैच्ड बालकनी है इसमें। जब आप किचन और डाइनिंग से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका ये पैसेज है, और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। 4 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, 14 माले का 4 टावर है, और चारों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC आ चुका है, म्यूनसिपैलिटी वाटर आ चुका है, BMC वाटर इसका आ चुका है, और इसके साथ एक कवर्ड पार्किंग भी है। ये बाहर इसका वॉश बेसिन का एरिया है। अभी मैं इसका कॉमन बेडरूम आपको दिखाता हूँ। इसका कॉमन बेडरूम है, इसमें भी आप देखें बेड बना हुआ है, TV यूनिट बना हुआ है, और यहाँ पे भी आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। आप इस वॉल को हटाने के बाद अब फ्रेंच विंडो कर सकते हैं। सामने आपको फिक्स वार्डरोब मिल रहा है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और कलर कोड भी इन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि किसी को भी बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेगा। प्रॉपर देखें तो एक लाइट डिसेंट कलर इन्होंने यूज़ किया है। अभी देखते हैं मास्टर बेडरूम का कैसा स्थिति है, क्या है इसका। ये इसका मास्टर बेडरूम है, एंट्री करते ही आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिलता है, और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम भी देखें बहुत बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। अब अंदर लेके चलता हूँ आपको, मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, और इसमें भी बेड बना हुआ है, फिक्स बेड और कवर्ड बना हुआ है। ये सामने कवर्ड एरिया है। अभी मैं टेरेस की तरफ से आपको लेके चलता हूँ। साइड में आप देख सकते हैं ये इसका ड्रेसिंग टेबल है दोनों साइड का, और बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको जगह मिल रहा है यूज़ करने के लिए। और प्राइजिंग की बात करूँ तो 1.6 करोड़ रुपया फर्नीचर
पार्किंग, फ्लैट, उसमें सब कुछ आ जाता है। ये कनकिया सिनेमैक्स के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 4-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। भैरव रेसिडेंसी है, भैरव रेसिडेंसी के जस्ट बाजू में ही है ये वासुदेव स्काई हाई। ये मैं आपको फ्लैट के अंदर से आया, टेरेस से आपको मैं हॉल में लेके जा रहा हूँ। तो मैं बाहर का पैसेज दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल काम किया हुआ है दोस्तों। और ज़्यादातर क्या है ना, इसमें 99% जो पब्लिक है वो हिंदू लोकेलिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं है। अभी तो कैसा, वैसे भी गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार चारों कास्टिज्म को हर एक सोसाइटी में देना ही पड़ता है, बाद में भले वो डील आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखें 100-150 फ्लैट में एकाध अदर कास्ट है, बाकी सारे हिंदू लोकेलिटी ज़्यादा हैं यहाँ। अभी मैं बाहर आपको पैसेज दिखाता हूँ किस टाइप का है, ये फ्लैट से बाहर मैं लेके आया हूँ आपको। और ये इसका स्टेयरकेस है, ये लिफ्ट है, और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। वैसे भी वासुदेव जो डेवलपर हैं, इन्होंने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी इन्होंने वासुदेव हाइट करके एक लॉन्च किया है डेल्टा वृंदावन के सामने, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अगर कुछ लॉन्चिंग में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमें फ़ोन करें। इस फ्लैट के रिलेटेड जो मैंने आपको दिखाया है, प्राइजिंग बताया है 1.6 करोड़ रुपया, इसके रिलेटेड भी अगर कुछ बात करना है, कुछ डिटेल जानना है, ख़रीदना है, परचेस करना है, तो आप हमें फ़ोन करें। इस बिल्डिंग में हमारे पास रीसेल में भी और भी फ्लैट्स हैं जो अनफर्निश्ड हैं, वो कुछ 90 लाख, 92 लाख, 88 लाख में है, तो 4 से 5 फ्लैट हैं। ये फ्लैट भी फर्नीचर के साथ, पार्किंग के साथ और 2 BHK है, तो जो सेल करना है जो मैंने आपको बताया। और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, डिटेल रहेगा, आप मुझे फ़ोन करें दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी इस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने के लिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें। ये वासुदेव स्काई हाई का एंट्रेंस है मेन, नीचे कुछ कमर्शियल बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसका देख सकते हैं, कमर्शियल यूनिट्स है। और सामने ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, और ये रामदेव पार्क और रोड और कनकिया रोड को दोनों को मर्ज करने वाला बीच का बाईपास रोड है। दोनों रोड आपको 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं भारत रेसिडेंसी, और ये जो म्यूनसिपैलिटी का वाटर टैंक यहाँ का काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है, एक अच्छा, और दोनों के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इसका। ये वासुदेव स्काई हाई का एंट्रेंस लॉबी है, ये सिक्योरिटी कैबिन प्लस आगे का, मैं आपको लिफ्ट एरिया दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका स्टेयरकेस है, और पहला लिफ्ट फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है, जो हाई स्पीड लिफ्ट है लेटेस्ट, और बिल्डिंग ही मुश्किल से आप देखें तो 3 से 4 साल हुआ है। ये दूसरा इसका लिफ्ट है, और ये स्टेयरकेस है इसका, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस के साथ। इन्होंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट और कंप्लीट सारे म्यूनसिपैलिटी के जितने भी लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जितना टर्म्स एंड कंडीशन होता है सबको ध्यान में रख के इन्होंने डेवलप किया है। और आगे इसका ओपन स्पेस देखते हैं, सामने बैंक्वेट हॉल और जिम्नासियम है। अभी मैं आपको बैंक्वेट हॉल और जिम्नासियम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये आप क्लब हाउस में एंटर करते हैं तो सामने आपको वॉशरूम और ये मिलता है, उसके बाद ये इसका बैंक्वेट हॉल है बड़ा सा, आपको मैं एक साइड में आके दिखाता हूँ, आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे
कि बैंक्वेट हॉल कितना बड़ा है। ये आप देख सकते हैं लगभग 300-400 लोगों का सिटिंग एरिया, तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है। अभी मैं जिम्नासियम आपको दिखाता हूँ। जिम एरिया है, फ्लैट के साथ में जो कार पार्किंग है आप देख सकते हैं, ये इसका कार पार्किंग है। वासुदेव स्काई हाई का ओपन कार पार्किंग और ओपन बाइक पार्किंग का स्पेस है। ये आप देख सकते हैं 3 विंग की पूरी सोसाइटी है। ये चौथा टावर इसका ये है। ये पूरे 4 विंग की सोसाइटी है और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है इसका, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है इन्होंने। ये इसका 4th विंग्स है। अभी मैं गार्डन और किड्स प्ले एरिया आपको दिखाता हूँ। आपको गार्डन एरिया दिखा रहा हूँ कि क्या है इसका गार्डन एरिया, कैसा डेवलप किया है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्लांटेशन किया हुआ है। साथ ही साथ ये लिफ्ट का इमरजेंसी, एलिवेटर का इमरजेंसी, जब लाइट चली जाए उसका बैकअप हर एक सोसाइटी में कंपलसरी हो गया है, ये इन्होंने यहाँ रखा है। और स्टर्लिंग का है, और ये भी इस तरफ किड्स प्ले एरिया है इसका। तो गार्डन और किड्स प्ले एरिया, यानी ये इतना पूरा ओपन गार्डन है इसका। ओपन स्पेस, सेकंड गेट है वासुदेव का, एग्जिट पॉइंट है, और ये एंट्री पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। ये पूरे पार्किंग का स्पेस और ये एलिवेशन है, तो मैं बाहर से रोड से भी आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। एंट्री पॉइंट है वासुदेव स्काई हाई का, और ये आप जब एंट्री करते हैं गेट से तो ये पूरा ओपन पार्किंग, सामने क्लब हाउस और आगे ये कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। अभी जो मैंने आपको 2 BHK का वासुदेव स्काई हाई का फ्लैट दिखाया है, इसका डिटेल आपको बता दूं, 14 माले का टावर है ये, 4 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 फायर एग्जिट पॉइंट यानी स्टेयरकेस है, सीढ़ियां है। और ये जो फ्लैट है ना, ये एक मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है। रोड फेसिंग टेरेस का तो आपने देख ही लिया है, OC आ चुका है, BMC वाटर इसमें आ चुका है, गैस पाइपलाइन आ चुका है। 20 से 25 लाख रुपए का इंटीरियर किया हुआ है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है ना, मुश्किल से 5 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है ये। 2020 का इसका सोसाइटी फॉर्म हुआ है और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है पहले माले से ग्राउंड फ्लोर पे। फ्रंट साइड में जो रोड साइडिंग में है वो दुकानें हैं और बैक साइड में पार्किंग है। स्टील कवर्ड पार्किंग है इसके साथ में, इस फ्लैट के साथ में। और व्यू इसका रोड फेसिंग हो तो आप देख ही चुके हैं। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो लोन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका लोन चल रहा है, तो आप लोन एज इट इज ट्रांसफर भी कर सकते हैं। 2 BHK का कार्पेट एरिया लगभग टेरेस के साथ में आप देखें तो 800 स्क्वायर फुट के आसपास कार्पेट एरिया है, 750-800 स्क्वायर फुट का। और प्राइजिंग इसमें स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग भी है, 20 से 25 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क भी है। 2 BHK फ्लैट विद 200 स्क्वायर फुट अप्रोक्स इसका टेरेस है। ये सबके साथ में 1.6 करोड़ रुपए इसका नेगोशियबल प्राइस है। अगर आप कार पार्किंग लेना चाहें तो कार पार्किंग के साथ ले सकते हैं, अगर आपका बजट आगे पीछे होता है तो कार पार्किंग अगर नहीं लेना चाहें तो विदाउट कार पार्किंग भी आपको मिल जाएगा। कार पार्किंग का एक 5-6 लाख रुपए आपको माइनस हो जाएगा। तो ये इस टाइप इस कंडीशन में बेचना है इनको। इसमें एमिनिटीज के मामले में किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, गार्डन, क्लब हाउस है, इसमें बैंक्वेट हॉल है, जिम्नासियम है, तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। 2 इसके गेट है, 1 एंट्री का और 1 एग्जिट का। कनेक्टिविटी बता दूं आपको, बता दूं अगर आपको यहाँ पे रहने आए तो आपको हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रशांत किचन एंड बार, रौनक फाइन डाइन, HDFC बैंक, बड़ौदा बैंक, मंदिर, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, PVR सिनेमा, ये सब जो चीजें हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब
मैं थोड़ा ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करूं, यहां से ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आपको 7-11 सेवन स्टार क्लब बॉनबॉन क्लब यहां से आपको अचीव कर जाते हैं मुश्किल से 5-7 मिनट के वॉकिंग पे। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप मीरा रोड स्टेशन, दहीसर मेट्रो स्टेशन, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, मैक्सिस मॉल, बिग बाजार, आइनॉक्स एंड ठाकुर मॉल, एलआर तिवारी कॉलेज, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, लसाज मल्टीप्लेक्स एंड मॉल, डी मार्ट, जीसीसी क्लब एंड होटल, संजय गांधी नेशनल पार्क, बड़े बड़े फैक्ट्री आउटलेट्स के जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड के हैं जिसमें नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पेंटालून, पुमा, स्केचर, डिकैथलॉन, ये सब आप प्रोजेक्ट से आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है आप पहुंच जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको, तो आधे से एक घंटे के अंदर आप गोराई बीच, वेलंकनी बीच, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, ग्लोबल विपासना, पेगोडा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, पाली बीच रिसोर्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं मुश्किल से आधे से एक घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पर। ये तो मैंने आपको आसपास की कनेक्टिविटी और प्रोजेक्ट का डिटेल दिया। अब आगे आप हमारे सर्विसेज के बारे में भी समझ लें। हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है, ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता, ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत रहती है और वो पैसे की नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सके, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, आप उसमें फायदा कमा सके दोस्तों। और अगर आप ज्यादा YouTube पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने फायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, आप हमें जरूर हमारे इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजीशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।